और नहीं तो क्या, देखते हैं। चलो भाइयों, रुको, भागते कहाँ हो? देखता हूँ एक एक को। रुको रुको, अब भी पकड़ता हूँ। अरे भाग रहे, रुक जाओ भीम, छोड़ दो उन्हें, क्यों मार रहे हो उन्हें? शुरुआत उन्होंने की है। बस बहुत हो चुका, चलो मेरे साथ। इस बार तो तुम युधिष्ठिर की वजह से बच गए, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें देख लूंगा। जरा ध्यान से देखो वो उधर है या नहीं। फिर भी देख तो लो। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन होगा, लगता है महल में गए होंगे। मामाश्री, मैं आपको बताता हूँ कि वो भीम हमें बहुत कष्ट देता है। मामाश्री, आप हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करते? आज भी उसने हमें मार दी। और तुम सिर्फ वहाँ से मूर्ख जैसे भाग गए? अरे कभी तो तुम अकल से काम लो दुर्योधन। मामाश्री, आप हमें समझे ऐसा कुछ बोलिए, ऐसी पहेलियां मत बुझाइए। दुर्योधन, तुम सिर्फ कद से बड़े हो, अकल से नहीं। मेरे कहने का मतलब भीम को हराने की युक्ति। क्यों भांजे? लेकिन आप ही बताइए मामाश्री, वो हम कैसे कर पाएंगे? दुर्योधन, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम तो कह रहे थे कि उन्होंने हमें मित्रता के हेतु बुलाया है। जरूर इसमें कोई कपट होगा। बस बहुत हो चुका, उन पर इतना शक मत करो, आखिर वो भी तो हमारे भाई हैं। वो सब ठीक है, ये मत भूलो, उनके मन में हमारे लिए कुछ विशेष प्रेम नहीं है। भीम, बहुत हो चुका, अब बस भी करो। अब मेरा कहना ध्यान से सुनो, उनके साथ अच्छे से पेश आओ। और हाँ, तुम सब याद रखना, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे निमंत्रण पर यहाँ पधारे। ये दावत बहुत अच्छी थी। आप लोगों के आनंद में ही मेरा आनंद है। भरपेट खाने से मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, ये सुझाव अच्छा है। क्यों ना हम थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे विश्राम कर ले, बाद में राजमहल चलेंगे। क्यों, कैसी लगी कल्पना? ये कल्पना बहुत अच्छी है। हाँ, एक नींद ले लेते हैं।
अपना काम हो चुका है। उन्हें पता भी नहीं कि हमने उनके भोजन में मदिरा मिला दी है, इसकी वजह से वो अब जल्दी जाग नहीं पाएंगे। यही समय है। दुशासन, तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? हाँ, मैंने कुछ जहरीले नाग और विषारी वनस्पति नदी में छोड़ दी है। मुझे विश्वास है अगर वो कांटों से नहीं मरा तो उसे जहरीले नाग जरूर मार डालेंगे। बहुत अच्छे, अब उसे बांध के पानी में डाल दो। आखिर इस शैतान से हमारा छुटकारा हो ही गया। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो और जल्दी बांधो उसे। आखिर इस शैतान से हमारा छुटकारा हो ही गया। महाराज बचाइए। क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? एक मनुष्य जो हमें दानों की भांति मार रहा है। क्या, एक साधारण मनुष्य? नहीं, वो सामान्य मनुष्य नहीं। हमने उसे मारने का बहुत प्रयास किया परंतु हमारी एक न चली। आप कुछ कीजिए महाराज, हमें बचाइए। महाराज आप ही कुछ कर सकते हैं, हमें बचाइए महाराज। चलो चलो मेरे साथ चलो, मुझे नहीं लगता कि वो भी साधारण मनुष्य होगा। आप हमारे साथ चलिए, आप जरूर अपने अनुभव से उसे पहचान लेंगे। देखो हमारे महाराज आए, आखिर हम बच गए। ये नाग लोक का राजा वासुकी तुम्हारा स्वागत करता है। आपको मिलकर बड़ा आनंद हुआ। लेकिन तुम इन नागों को क्यों मार रहे हो? शुरुआत तो उन्होंने ही की है। हम अपने आदत के अनुसार मनुष्य देखते ही उस पर हल्ला बोल बैठे। हम क्या करें महाराज, हम अपने आदत से मजबूर है। लेकिन तुम यहाँ पानी में कैसे आए? मैं यहाँ खुद नहीं आया, मुझे समाप्त करने हेतु मेरे भाइयों ने मुझे यहाँ फेंका है। भयंकर, तुम कौन हो पुत्र और तुम्हें कौन मारना चाहता है? मैं भीम, पांडु व कुंती का पुत्र। कौरव ने हमें भोजन में मदिरा देकर बेहोश किया और मुझे यहाँ ढकेल दिया, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा।